हरे कृष्णा, मैं भुवन सुंदरी लता देवीदासी गोविंदास क्यूजिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी लीलाएं हैं, उसमें से महाप्रभु की एक फेवरेट स्वीट है, वह है माखा संदेश। नवद्वीप में धामेश्वर महाप्रभु का एक मंदिर है। विष्णुप्रिया देवी, जो कि महाप्रभु की पत्नी थी, उनके द्वारा वह सेवित विग्रह है। वहाँ का जो विग्रह है महाप्रभु जी का, वह आप देखेंगे कि उनकी दोनों जो हाथ है वह आगे की तरफ है, और काफ़ी जो भक्त लोग हैं वहाँ पर जाते हैं तो साथ में संदेश लेकर जाते हैं और उनके हाथ में, दोनों हाथों में रखते हैं। तो यह जो पावन अवसर है गौर पूर्णिमा का, उसके लिए हम बनाने जा रहे हैं माखा संदेश। यह जो माखा संदेश है वह बनता है घर पर बनाए हुए पनीर या छेना से, और उसी के साथ साथ हम देखेंगे घर पर पनीर या छेना कैसे बनाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं माखा संदेश। तो सबसे पहले हम एक पैन में लेंगे 2 लीटर जितना गाय का दूध। दूध में एक उफान आने देना है और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि वह नीचे से चिपक ना जाए। काफी भक्त लोग की एक रिक्वेस्ट थी कि घर पर पनीर कैसे बनाते हैं, इसीलिए आज हम दिखा रहे हैं। दूध को फाड़ने के लिए काफी लोग दही या फिर विनेगर यूज करते हैं, पर यहाँ पर हम यूज करेंगे नींबू का रस। 3 से 4 टेबलस्पून लेना है और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून जितना पानी मिलाना है और मिक्स करके इसे यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि दूध में एक उफान सा आ गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून जितना यह जो हमने नींबू का रस बनाया था वह मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, सब एक साथ नहीं डालना है। इसे मिक्स करेंगे और थोड़ी देर रुकेंगे जब तक कि दूध फट ना जाए। और 1-2 चम्मच उसमें मिलाएंगे और आप देख सकते हैं कि दूध जो है वह थोड़ा सा फटने लगा है। एक मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वह थोड़ा सा हरा कलर का, ग्रीन कलर का हो गया है पानी का। तो यह बिल्कुल परफेक्ट स्टेज है, स्टोव को बंद कर देंगे। अब पनीर को छानने के लिए यहाँ पर एक पतीला लेंगे, उसके ऊपर एक स्ट्रेनर रख देंगे और एक मसलिन क्लॉथ रख देंगे, कपड़ा पतला सा। अब हमने जो पनीर बनाया था वह धीरे से डालेंगे और उसे छान लेंगे। साफ पानी से इसे हमें 2 से 3 बार धोना है ताकि उसमें जो खट्टापन है वह सब निकल जाए। पनीर को अच्छे से धो लिया है। अब हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा निचोड़ लेंगे, जो एक्स्ट्रा पानी है वह निकल जाएगा, और 1 घंटे के लिए इसे स्ट्रेनर पर छोड़ देंगे। यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है छेना का वह बिल्कुल परफेक्ट है। इसे हम मिक्सिंग बाउल में ले लेंगे। इसे हमें हाथ से मसलना है। मखा मीन्स ऐसे मसलना, इसीलिए इसका नाम है मखा संदेश, और इसे 4 से 5 मिनट तक हम मसलते रहेंगे। 4 से 5 मिनट हो गई है, आप देख सकते हैं इसका जो स्मूथ टेक्सचर बन गया है। इसे हम पैन में ट्रांसफर कर लेंगे।
आंच को धीमी रखेंगे और ये छेना को इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। इसमें हम डालेंगे 1/3 कप जितनी चीनी। फ्लेम को लो ही रखना है और धीमी आंच पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, जब तक कि चीनी और छेना अच्छे से घुल जाएंगे तभी तक ही पकाना है। और अगर हम मीडियम या हाई फ्लेम पर कुक करेंगे तो इसमें से पानी छूटने लगेगा और हमारा माखा संदेश नहीं बन पाएगा। हमने पहले भी गौर पूर्णिमा स्पेशल रेसिपी शेयर की है और यही सब रेसिपीज़ अगर आप चाहे तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं यूट्यूब पर कृष्णास क्यूजिन में। 4 मिनट हो गई है और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, यह इनफ है, हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है। आधा चम्मच जितना इलायची पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह बनकर बिल्कुल तैयार है। हम स्टोव को बंद कर देंगे और इसे सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। ऊपर से थोड़े से सूखी जो गुलाब की पंखुड़ी होती है वह डाली है और बारीक काटे हुए बादाम और पिस्ता से गार्निश किया है। तुलसी पत्र रखकर भगवान श्री श्री गौर निताय को भोग अर्पण करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन या प्रसाद को ही खाते हैं। अगर आपको भोगा रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि भोगा रेसिपीज आपको मिलती रहे। हमेशा जपिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।